मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी के सच्चे सिपाही, जिनका सफर गुजरात के गांधीनगर से एक स्वयं सेवक के रूप में होता है और अब करीब 40 साल बाद दिल्ली की रायसेना हेल्पर बने नॉर्थ ग्रुप में मौजूद गृह मंत्रालय तक पहुंचता है। आज जब अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तो उनको ये पद दिए जाने पर कई सवाल सामने तैरने लगे हैं, क्योंकि अमित शाह का पिछला सफरनामा इतना साफ नहीं रहा जितना देखा जा रहा है। खुद अमित शाह ये मानते हैं कि जब तक वो सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तब तक ये सवाल उनसे पूछे जाते रहेंगे और वो उनका जवाब भी सादगी से देना पसंद करेंगे। वैसे तो अमित शाह 2002 से गुजरात में बनी मोदी सरकार में आरोपों के साए में आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो साल 2005 था जब गुजरात के गैंगस्टर सोराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था और उस समय गुजरात की मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह थे। इसके अलावा अमित शाह का नाम 2006 में सोराबुद्दीन के साथी तुलसीराम प्रजापति के भी फर्जी एनकाउंटर में भी सामने आया है। इन दोनों मामलों में अमित शाह की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब सोराबुद्दीन के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब 2005 से 2006 के बीच में इस मामले की विस्तार से जांच होना शुरू हुई। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर सीबीआई ने की। जांच में जब मामले की परत दर परत खुलने लगी तब इस तरह के एनकाउंटर में गुजरात पुलिस के सिपाही से लेकर आईपीएस स्तर के अधिकारियों के इनमें शामिल होने के आरोप लगे। पुलिस अधिकारी राजकुमार पांडियन, डीजी बंजारा और राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अभियुक्तों के इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और करीब 3 महीने के बाद 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत मिली। करीब 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया। अक्टूबर 2010 से लेकर सितंबर 2012 तक उनसे गुजरात में उन्हें दाखिल होने पर रोक लगा दी गई। कोर्ट में चल रहे इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब जस्टिस पीएच लोया की संदिग्ध हालतों में मौत 1 दिसंबर 2014 की सुबह नागपुर में हुई, जिनकी वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई। जब लोया सोराबुद्दीन शेख एनकाउंटर की इसकी सुनवाई कर रहे थे जिससे अमित शाह मुख्य अभियुक्त थे, जब दिल्ली में पहली बार मोदी सरकार बनी तो उसके कुछ महीने बाद ही सीबीआई ने 30 दिसंबर 2014 को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। गौरतलब है कि शाह को बरी करने वाले जज तीसरे जज थे, क्योंकि उनसे पहले एक जज ने अपना तबादला करा लिया था और जब बीएच लोया की मौत संदिग्ध हालतों में पहले ही हो चुकी थी। हालांकि सोराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी प्रजापति से जुड़े आरोप और गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहले हुई, लेकिन फिर भी अमित शाह इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस की साजिश करार देते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि शाह मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करते दिखते हैं और उन्होंने कभी चाल, चरित्र, चेहरे और चिंतन का नारा जपने वाली बीजेपी को आज के दौर की हर संभव स्थिति में चुनाव जिताने वाली मशीन बना दिया है। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद लंबे अरसे से मोदी के शागिर्द रहे शाह को मंत्रिमंडल में शरीक होना लगभग तय था, वो भी एक भारी भरकम मंत्रालय के साथ, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी में एक व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष भी हो और केंद्र सरकार के मंत्री भी। क्या शाह पार्टी पद से इस्तीफा देंगे या उनके लिए पार्टी नया दस्तूर कायम करेगी?
आखिरकार अगर हिंदुस्तान को पहली बार एक ऐसे गृह मंत्री से नवाजा गया है जो 5 साल पहले एक खतरनाक मर्डर केस में आरोपी थे, तो बीजेपी को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जब वो वन मैन टू कोर्ट जैसे नियमों को कूड़ेदान में फेंक दे।